खेल बन गई है ये जिंदगानी। आप सोए नहीं अभी तक? तुम भी तो जाग रहे हो। जी बस वो नींद नहीं आ रही। नींद क्यों नहीं आ रही? हालांकि इस उम्र में तो नींद के साथ बड़ा गहरा रिश्ता होता है इंसान का। चलें फिर मैं सोने चलता हूं। अभी कह रहे थे नींद नहीं आ रही। कोशिश करता हूं शायद आ जाए। बेटा कोशिश करने से नींद तो नहीं आती, लेकिन कोशिश करने से जागने की वजह खत्म हो सकती है। अगर मैं ये मान सकता हूं ना कि तुम समन से शादी नहीं कर रहे, तो उसके लिए भी मान सकता हूं जिसका तुम हमारे सामने नाम नहीं ले रहे। बाबा ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पहले की बात होती तो शायद मैं मान जाता, लेकिन तुम्हें इस तरह जागता देखकर नहीं मान सकता। बाबा समन खुद से अंदाजे लगाती है, ऐसा वाकई कुछ नहीं है। ठीक, फिर जाओ जाके सो जाओ। जी माली क्या काम करता रहता है? देखो सारे फूल यहाँ पे पड़े, उसे बोलो यहाँ से इसको झाड़ू दे और ये सारी वो वाली जो गुलाब की क्यारियां उनमें गोडी करे। हर वक्त बस पैसे मांगता रहता है। जाओ बुला के लेकर आओ उसको। मचाया हुआ यहाँ पे सारा। मामा आपने जुबैर अंकल को कॉल नहीं की? नवेरा ने तुम्हें बताया नहीं वो लोग आज आ रहे हैं? वो तो कह रही है आपकी रूबी आंटी से बात हुई। तो रूबी से बात हो या जुबैर साहब से बात हो, बात तो एक ही है ना। नहीं मामा, मैंने आपसे कहा भी था कि आप जुबैर अंकल को कॉल कीजिएगा, वो बड़े हैं घर के। तो बच्ची तो रूबी भी नहीं है ना बेटा, बता दिया होगा उन्होंने जुबैर साहब को। मामा आप तो हमेशा इन चीजों का ख्याल रखती हैं, पता नहीं जुबैर अंकल के मामले में आपको क्या हो जाता। जमान क्या कहना चाह रहे हो तुम? बस इतना ही कि जब भी जुबैर अंकल को रिस्पेक्ट देने की बात आती है आप उन्हें इग्नोर करती हैं। तो जूर बातें मत करो जमान, ना तो जुबैर साहब मेरी रिस्पेक्ट के भूखे हैं, ना ही उनको रिस्पेक्ट देने में मैंने कोई कमी छोड़ी। मैं बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है ना, तो तुम खुद कॉल कर लो उनको। अलीमा अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम अस्सलाम अंकल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ सब खैरियत है? जी अंकल सब खैरियत है। मामा कल रात को कॉल कर रही थी आपको, लेकिन आई थिंक आपका नंबर ऑफ जा रहा था, तो फिर उनकी रूबी आंटी से बात हो गई। हाँ बेटा रूबी ने बताया था मुझे। जी अंकल मैंने भी बस आपको रिमाइंड कराने के लिए कॉल की है, आपने जरूर आना है। वैसे एक बात तो है बेटा, अगर मैं ना भी आया ना तो तुम्हारी मामा नाराज नहीं होंगी, लेकिन तुम कह रहे हो तो जरूर आऊंगा। जी अंकल बिल्कुल, अगर आप ना आए तो मुझे और नवेरा को बहुत बुरा लगेगा, बल्कि मामा ने तो खास तौर पे मुझे कहा है कि आपको कॉल करके इनवाइट करूं, तो आपने जरूर आना है। बेटा जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है अंकल, फिर शाम को मुलाकात होती है इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। बात करनी थी तुमसे। सुबह सुबह टेंशन लेने का मूड नहीं है, सॉरी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि
मेरी नीयत तुम्हें टेंशन देने की नहीं होती। इनफैक्ट मेरी कोशिश तो ये होती है कि मैं तुम्हारी हर टेंशन खत्म कर दूं। अगर ऐसा है तो बहुत शुक्रिया। मैं खुश देखना चाहती हूँ तुम्हें। मैं किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? क्या कर रही? तस्वीर खींच रही थी। ऐसा लगता है खुश इंसान। मैं ऐसा ही हूँ समन, और तुमने तो कहा था कि मेरा नेचुरल एक्सप्रेशन। तुम्हें मेरी बातें याद रहती हैं? मैं जाऊँ? मुझसे पूछोगे तो कभी नहीं जाने दूंगी। बहुत ख्याल है ना तुम्हें मेरा, खुद से भी ज्यादा। तो फिर मेरे बारे में खबरें फैलाना बंद कर दो। कौन सी खबरें? तुमने नवेरा और बाबा को कहा है कि मुझे कोई छोड़ा। रुक क्यों गए? बात मुकम्मल करो। बात तुमने बनाई है तो मुकम्मल भी खुद ही कर लेना। मुझसे क्यों छुपा रहे हो? मेरे सामने तुम मान जाओ। तुम यकीन करो मैं तुम्हारा केस बहुत आसान कर दूं। वो जो कोई भी है मना लूंगी घर में सबको उसके लिए। फारिस, कितनी बुरी बात है। नवेरा क्या सोचेगी? मैं उसे सॉरी कह दूंगा। और भाईजन, मैं तो भाईजन को नहीं बता रही कि तुम हमारे साथ नहीं जा रहे। मैं उन्हें कॉल करके बता दूंगा। यहां मत आया करो। नहीं अलिश्बा, वो जब चाहे मुझसे मिलने आ सकता है। ठीक है, तो फिर बस मेरे सामने ना आया करो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। मैंने आपको बताना था कि मैं नवेरा की तरफ नहीं जा सकूंगा। आप प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, मैं सॉरी कह दूंगा उसे। इमरजेंसी है, कहीं और जाना पड़ रहा है। थैंक यू। बाबा, फारिस क्यों नहीं आया आप लोगों के साथ? बेटा, उसे बहुत ज़रूरी काम था, कह रहा था तुम्हें कॉल करेगा। हाँ भाई, ज़रूरी काम होगा इसीलिए नहीं आया होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने सोचा जिसे हर वक्त घर में बर्दाश्त करना पड़ता है उसे बाहर भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अरे नहीं, तो इतनी अच्छी बच्ची हो। लेकिन मैं कॉल करके खबर जरूर लूंगी उनकी। अच्छा भाई, जो नहीं आया उसकी खबर बाद में लेना, अभी जो आए हुए उनकी खबर तो ले लो। अंकल तो वैसे भी टाइम पे खाना खाने के आदि है। हाँ ये तो पता है मुझे। चले फिर मैं खाना लगवा के आती हूँ। जमान बेटा, तुम खुद कॉल कर लेते फारिस को, शायद वक्त निकाल के आ जाता। वो कह रहा था मुमकिन नहीं हो पाए। जी मामा, वैसे भी अभी नवेरा उसको कॉल करके खबर ले लेगी उसकी। मैं आती हूँ।
देखिए, जब जमान बेटे ने कहा कि आपके सख्ती से ऑर्डर है कि मेरा आना बहुत जरूरी है, मैंने तो उसी वक्त कह दिया था मैं तो जरूर जाऊंगा। देखिए, बच्चों को तो इनकार किया जा सकता है, आपको कैसे इनकार कर सकते हैं। रूबी नवेरा बता रही थी कि आप वापस जाने का प्लान कर रही हैं। जी, प्लान बनाया था लेकिन भाईजान ने रोक लिया। लेकिन मैं तो कहीं नहीं जा रही, मैं मामू के पास ही रहूंगी। इसका मतलब फिर आपका रहने का अरेंजमेंट यहीं पर कर लेते हैं हम। नहीं नहीं जमान भाई, मैं किसी को जहमत नहीं देती, अपने मसले खुद हल कर लेती हूँ। या हल कर लेती हूँ या खराब कर लेती हूँ, पूरी बात बताओ ना। भाभी, पारिस को कॉल करने लगी। हाँ, उसे पूछूंगी ना कि उसे आना चाहिए तो। आप मायना करें तो मैं बात कर लूं। ये लो कर, मैं थी देर में हलीमा से खाना लगा रही हूँ। ओके हलीमा जी। तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा है कि मैं क्यों नहीं आया। हुक्म दिया था उसने कि मैं उसके घर ना आऊं, अब सुकून में होगी वो। अच्छा, तो मेरे सुकून के लिए नहीं आया तुम? किसी और के फोन से बात करना अच्छी बात नहीं होती। और कोई दावत पर बुलाए तो ना आना कोई अच्छी बात है क्या? तुमने खुद मना किया था मुझे। उस वक्त गुस्से में थी मैं पारस। गुस्से में इंसान सच ही बोलता है। अच्छा, मैंने लड़ने के लिए कॉल नहीं किया, बस ये बताने के लिए कॉल की है कि तुम्हारी अपनी बहन का घर जब दिल चाहे आ सकते। इतना हौसला नहीं है मुझमें कि रोज तुम्हारी नजरों में अपने लिए नफरत देख सकूं। हेलो सर, मैडम अलिजबा आई हैं। अंदर भेज दो। इतना हैरान क्यों हो रहे? तुम्हें हिम्मत नहीं है मेरा सामना करने की, लेकिन मुझमें बहुत है। बैठो, कॉफी? नहीं, बस बात करनी है मुझे कुछ तुमसे। ना खास तो नहीं हूं मैं। मजलूमियत का यह बोलना उतार के फेंक दो, खास बातों से नहीं बना जाता। खास बनने के लिए दूसरों की बातों को अहमियत दी जाती है। तुम्हें अभी भी शिकायत है मैंने तुम्हारी बात को अहमियत नहीं दी? कब से जानते हो तुम मुझे? क्योंकि हमारी मुलाकात तो भाई की डेट पिक्स होने के बाद हुई थी। मुलाकात तब हुई थी लेकिन मोहब्बत पहले हो चुकी थी। जिस दिन मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। अजीब इंसान हो, बस देखा और मोहब्बत करना शुरू कर दी। ऐसे नहीं होती मोहब्बत पारिस। उस दिन के बाद मैं बार बार उस जगह पे जाता रहा कि शायद तुम पे नजर पड़ जाए, लेकिन हमारी मुलाकात तभी होनी थी जब खुदा को मंजूर था। अच्छा, तो तुम मानते हो कि जब खुदा चाहता है तो होनी तभी होती है, उसके चाहे बगैर कुछ नहीं होता, राइट? तो फिर ये भी मान लो कि जब खुदा किसी को नसीब में नहीं लिखता तो वो नहीं मिलता उसे, चाहे आप उसे कितनी भी मोहब्बत कर लो या उसे मोहब्बत का कितना भी यकीन दिला लो। बहुत चाहते हो मुझे, देखते साथ ही पहली दफा सोच लिया था कि सिर्फ मैं ही डिजर्व करती हूँ तुम्हारी मोहब्बत, राइट? हाँ, ऐसा सोच लिया तो कोई जुर्म नहीं किया मैंने। नहीं, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन मोहब्बत करके सिर्फ खुद को ही सच्चा और सुच्चा समझ लेना जरूर जुर्म होता है पारिस। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, हर किसी को मोहब्बत करने का इख्तियार है, और इसीलिए मैंने
तुम्हारी खातिर चुप इख्तियार कर ली। तुम्हारी चुप तो मसले का हल नहीं है। जिस तरह तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने का इख्तियार है और मैंने मान भी लिया कि तुम्हारी मोहब्बत में मेरे लिए कोई खोट नहीं है, पारिस इसी तरह भी मुझे मोहब्बत करने का पूरा इख्तियार है, और हाँ समन को भी। मुझसे मोहब्बत करते हो ना, तो चुप रहने के बजाय अपनी खामोशी को तोड़ क्यों नहीं देते? क्या चाहती हूँ मुझसे? शादी कर लो समन से। मैंने उसकी आंखों में, उसकी बातों में, उसके लहजे में तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत देखी है। अभी तुमने कहा था ना कि तुम खास नहीं हो, तो मेरी मोहब्बत पाकर अगर तुम खास नहीं बन सकते तो क्या हुआ? मेरी बात मानकर, समन की मोहब्बत को हासिल करकर, उसे साथ देकर तुम खास बन जाओ। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? मुझसे तो उम्मीद रखते हो ना कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं। अपनी मोहब्बत को भूल कर तुम्हारी मोहब्बत तस्लीम करूं और तुम्हारा हाथ थामूं, चाहते हो ना? मैं भी यहाँ तुमसे यही उम्मीद लेकर आई कि अपनी मोहब्बत को भूल जाओ और समन को तस्लीम कर लो, उसे अपना लो। बहुत सख्त सजा सुना रही हो तुम। मैं तो बस तुम्हें अपनी ख्वाहिश बता रही हूँ, और शायद तुम्हारी फैमिली की भी यही ख्वाहिश है। इनकार का पूरा हक है तुम्हें, लेकिन बस इतना याद रखना, तुमसे जुड़ी ये मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। देखिए, जब जमान बेटे ने कहा कि आपके सख्ती से ऑर्डर है कि मेरा आना बहुत जरूरी है, मैंने तो उसी वक्त कह दिया था कि मैं तो जरूर जाऊंगा। देखिए, बच्चों को तो इनकार किया जा सकता है, को कैसे इनकार कर सकते? मामा आपने बुलाया? इस ससुराल वालों की खुशनूदी हासिल करने के लिए झूठ कब से बोलना शुरू कर दिया तुमने? क्या मतलब? क्या झूठ बोला मैंने? जुबैर साहब को ये क्यों कहा कि मैंने उन्हें इनवाइट किया था? मामा आप ही ने तो कहा था कि मैं चाहूँ तो खुद कॉल कर लो। ये तो नहीं कहा था ना कि उनको मेरा हवाला दो? मामा अगर हवाला दे भी दिया तो क्या बुरा कर दिया? उनके दिल में आपके लिए इज्जत बड़ी होगी। नहीं चाहिए मुझे जुबैर साहब से इज्जत, एक आंख नहीं भाता वो शख्स मुझे। लेकिन क्यों मामा, ऐसा क्या बुरा किया उन्होंने आपके साथ? बल्कि हमेशा आपके एटीट्यूड को बर्दाश्त करते आए हैं वो। अच्छा, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई जुल्म नहीं तोड़ दिया मैंने तुम्हारे ससुराल पे। और ये जो आपके दिल में उनके लिए नफरत है, वो क्या वो जुल्म नहीं है? बल्कि आपके इतने हार्श एटीट्यूड के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी दे दी, आपको तो ग्रेटफुल होना चाहिए। हाँ, बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि मेरे बेटे को तो अपनी बेटी किसी ने नहीं देनी थी। आखिरी सहारा रह गए थे जुबैर साहब हमारा। मामा आखिर इतनी नफरत क्यों है आपको उस इंसान से? मुझे उनसे नफरत नहीं है, मुझे झूठ से नफरत है जो तुमने बोला उनकी वजह से। मामा मेरी समझ से तो बाहर है आपका रवैया, पर आप उनको इज्जत नहीं दे सकती, ना दे, मुझ पर उनकी इज्जत फर्ज है। वगैरह के वालिद है वो और मेरे लिए बाप की हैसियत रखते हैं। अगर आंटी बाबा को इनवाइट नहीं करना चाहती थी तो नहीं बुलाना चाहिए था आपको। ऐसी बात नहीं है यार, इसीलिए डांट रही थी ना आंटी आपको। नवेरा, अगर मैंने अंकल को कह ही दिया था कि मामा ने खास तौर पर उन्हें इनवाइट किया, तो उन्हें बात यहाँ मेंशन करने की क्या जरूरत थी? ठीक है जमान, आइंदा मैं उन्हें कह दूंगी कि यहाँ आने से पहले आपसे पूछ लिया करें कि उन्हें क्या कहना है और क्या नहीं। मेरा ये मतलब नहीं था यार। आइंदा वही कीजिएगा जो आंटी चाहती हैं, क्योंकि मेरे लिए मेरी फैमिली और मेरे बाबा की इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी तुम कहना चाह रही हो कि मेरे नज़दीक तुम्हारी फैमिली की इज्जत की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है?
समान पता है, अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा होता कि आंटी बाबा को नहीं इनवाइट करना चाहती तो मैंने खुद मना कर देती। अच्छा यार प्लीज छोड़ दो अब इस बात को। I swear, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मामा इस तरह क्यों बिहेव कर रही हैं। शायद मुझे इस घर में लाने का गिल्ट उनका अब तक खत्म नहीं हुआ। अब गलत बातें सोच के खुद को परेशान मत करो यार, उन्हें तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट मी। अब मुंह ठीक करो अपना, चलो। मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन मोहब्बत करके सिर्फ खुद को ही सच्चा और सुच्चा समझ लेना जरूर जुर्म होता है पारस। शादी कर लो समन से, उसकी आंखों में, उसकी बातों में, उसके लहजे में तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत देखी है। मैं तो बस तुम्हें अपनी ख्वाहिश बता रही हूँ, और शायद तुम्हारी फैमिली की भी यही ख्वाहिश। इनकार का पूरा हक है तुम्हें, लेकिन बस इतना याद रखना, तुमसे जुड़ी ये मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश। मैं नवेरा को कॉल करके पूछूं? नहीं, वो परेशान हो जाएगी। वो नवेरा के घर इस वक्त नहीं जाएगा। जब वापस आ जाए ना तो आपने खूब डांटना उसे। मामू समन होश करो, हम सब परेशान है कि खुदा जाने वो गया कहाँ है, और तुम भाईजान को गुस्सा करने के लिए उकसाओ। पता नहीं कहाँ फिर रहा होगा, अगर लेट ही आना था तो एटलीस्ट कॉल करके तो बता देता। सलाह करे खैरियत। कहाँ था तुम? मैं यही था। खुदा के लिए जो रोग पाल बैठे हो उससे अपनी जान छुड़ा लो, तुम्हारे सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। हौसला करें भाईजान, फारिस हम बहुत परेशान हो गए थे बेटा। I'm sorry. कितनी आसानी से एक लफ्ज़ बोल के मासूम बन जाते। चुप करो समन, जाओ फारिस आराम करो। भाईजान परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। मसलूमियत का ये खोल ना उतार के फेंक दो, खास बातों से नहीं बना जाता। खास बनने के लिए दूसरों की बातों को अहमियत दी जाती। शादी कर लो समन से। ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे कुछ कहो और वो पूरा ना करो। उम्मीदें सारी खेल बन गई है।
रहे सारे जाने क्यों अपनों से मिलते हैं हम इस सोच में दिन रात गुजारी हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी खेल बन गई वालेकुम सलाम मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं शुक्र है तुमने हमें इस काबिल तो समझा कि अपने दिल की बात कह सको भाईजान हमसे नहीं कहेगा तो और किससे कहेगा बोलो फारिस क्या हुआ बोलो ना बता तो हम सबको कि कौन है वो Come on, let's just break the secret. मैं समन से शादी करने के लिए तैयार हूँ पूछने कहीं कुछ गलत तो नहीं कह गया रुबीस ने यही कहा है ना कि ये समन से शादी करेगा जी भाईजान कहा तो यही है लगता है अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल कर ली है अल्लाह का 8 लाख शुक्र है थैंक गॉड फारिस तुम जानते हो ना अंदर से क्या कह के बाहर आए हो जो भी कहा है दिल से कहा है दिल भी है तुम्हारे पास और वो पत्थर का नहीं हाँ ये तो तुमने आज प्रूफ कर दिया वैसे पूछ सकती हूँ ऐसा क्या हुआ जो तुमने मेरे हक में फैसला कर लिया ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि मेरी जिंदगी में और कोई नहीं लेकिन लेकिन की गुंजाइश नहीं है थैंक यू फारिस थैंक यू सो मच तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है थैंक यू सो मच कांग्रेचुलेशंस टू यू टू थैंक यू सो मच हुआ क्या है भाभी पुप्पू की कॉल आई थी फारिस ने समन के लिए हाँ कर दिया अच्छा ये तो बहुत खुशी की बात है तुम फारिस से मिली थी बस तुम्हारे कहने पे ही माना थैंक यू मैंने तो बस इतना ही कहा था उससे कि इंतजार ना करें उसको तुम्हारी बात समझ आ गई
बाबा, समन, पुप्पू सब इतने खुश हैं, और आप? ऑब्वियसली मैं भी खुश हूँ। अच्छा आप चाय बना देंगी मुझे प्लीज? चलो बना देती हूँ। तो फिर कब जा रही हैं आप वापस? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले तुम्हें दुल्हन बना के फारिस के हवाले करूंगी, उसके बाद जाऊंगी। चले मेरी शादी के बाद कम से कम मैं तो आपकी मजबूरी नहीं रहूंगी। तो जानो मेरे। देखिए ना, प्रायोरिटी तो नहीं ना, ऐसा क्यों सोचती हो? बच्चे तो हमेशा माँ की प्रायोरिटी होते हैं बेटा। मिलने तो आया करेंगी ना? क्यों नहीं मिलने आऊंगी, और सिर्फ मैं नहीं बल्कि तुम और फारिस भी मिलने आएगा। थैंक यू। समन, फारिस ने तुम सबकी बात मानकर हमारे दिल जीत लिए, तुमने भी सबकी खुशी का बहुत ख्याल रखना है। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? हर वक्त अपनी बात मनवाने से ज्यादा उसकी बात मानने की कोशिश करना, और बोलने से ज्यादा सुनने बल्कि मानने की आदत डाल, बहुत खुश रहोगी। आप फिक्र नहीं करें, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। I'm so happy. I'm so relaxed myself. अच्छा वो तुम्हारे मामू कह रहे थे कि जल्दी से घर पर ही मंगनी का छोटा सा फंक्शन कर लेते हैं, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? भाई अब छोटा फंक्शन करें या बड़ा, शादी करें या मंगनी, मैंने तो बस बात सुननी है ना, फारिस की मर्जी। आपने कहा ना, बोलो कमर सुना सा था। मैं समझ रही हूँ, बड़ी जल्दी है शादी की, शादी भी हो जाएगी, सो छोटी सी मंगनी का फंक्शन डन। हाँ, सो हैप्पी समन। नवेरा, तुम्हें फारिस का डिसीजन कुछ अजीब नहीं लग रहा? क्या मतलब? मेरा तो ख्याल है कि सब यही चाहते थे कि वो मान जाए। हाँ, मगर इस तरह अचानक मान जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा। कम ऑन जमान, अचानक कहाँ माना है? तुम खुद ही कहती हो कि उसकी और समन की पर्सनालिटी में बड़ा क्लैश है, बाद में जाके कहीं ये चीज प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। प्लीज जमान, अब सब ठीक चल रहा है तो आप वहम क्यों पाल रहे हैं? तुम खुद सोचो नवेरा, सबके इतना असरार करने पर नहीं माना और फिर यूँ अचानक मान गया, मुझे तो बड़ा इमेच्योर डिसीजन लग रहा है। अचानक नहीं माना, वो ये बात जानता था कि कोई इस टॉपिक पर बात नहीं करता, लेकिन सब चाहते ही हैं। एक बात बताऊँ, कि तुमने तो उसे फोर्स नहीं किया इस डिसीजन पे? समझाना मेरा फर्ज था, जैसे सब ने समझाया मैंने भी उसे समझा दिया, और वक्त के साथ साथ उसने खुद रियलाइज़ कर लिया कि समन से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। आप चलें, देर हो रही है। मैं तो आपका इंतजार कर रहा हूँ जनाब। बस मैं ये रखती। आंटी को मिलते बिजाता है। अरे जा रहे हो तुम लोग? जी आंटी। रूबी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक कहना, मैं उसे कॉल भी करूंगी और फारिस को भी कॉल करूंगी। लुकिंग वेरी नाइस, चलो जाओ, ड्राइव सेफ। खुदा हाफिज़ आंटी। खुदा हाफिज़। वेलकम।
मुझे अंदाजा है कि किस बात की वजह से आपका मूड ऑफ। तुम्हें अंदाजा है लेकिन मामा को नहीं है। क्या हो जाता अगर वो कह देती कि रूबी आंटी और अंकल को उनकी तरफ से मुबारकबाद देते? मैंने आपको पहले भी कहा है अगर उन्हें नहीं अच्छा लगता बाबा के बारे में बात करना तो आप टेंशन मत लिया करें। लेकिन कोई वजह तो होना उनके इस बिहेवियर की। तुम मुंह से नहीं कहती लेकिन दिल ही दिल में तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना। उन्हें तो इस वक्त हमारे साथ आना चाहिए था मुबारकबाद देने के लिए। मुझे उनका हमारे साथ आना बुरा नहीं लगा जमान, लेकिन हाँ अगर वो ना चाहते हुए हमारे साथ आती तब जरूर बुरा लगता। एहसास और इज्जत वही होता है जो दिल से हो। अच्छा अब अपना मुंह ठीक कर लेना। I'm fine. खेल बन गई।